दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने बनारसी चाय की ली चुस्की। बाबा काल भैरव में दरबार में टेका मत्था, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। दौरे के दूसरे दिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जहां वे बाबा के दरबार में शीश नवाएंगे और उनका दर्शन पूजन करेंगे। काल भैरव मंदिर से दर्शन पूजन कर निकलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी ने मंदिर क्षेत्र के बाहर चाय का लिया स्वाद। बता दें कि गुरुवार की शाम प्रदेश अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। आज बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन के बाद उनका काफिला पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। साथ में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीएम और जेपी नड्डा गाजीपुर के आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ चुनाव 2024 की तैयारियों में भी शुरू हो जाएगी। देखिए आप भी हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी गाजीपुर में चुनाव का शंखनाद करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर पहुँच गए हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा। वहां भाजपा नेताओं के बूके देकर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्था पौहारी बाबा के आश्रम स्थल पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। सीएम योगी और जेपी नड्डा ने शुक्रवार सुबह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, साथ ही काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। बाबा काल भैरव का विधि विधान से पूजन अर्चन और आरती करने के बाद जेपी नड्डा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर से बाहर निकले। जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल्लड़ में चाय की चुस्की ली। जेपी नड्डा और सीएम योगी के 20 जनवरी यानी आज गाजीपुर के पौहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन एवं आईटीआई मैदान में जनसभा का कार्यक्रम निर्धारित है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बनारस से विवेक कुमार जुड़ गए हैं। विवेक जी, क्या हाल है इसमें बनारस में, आपसे जानना चाहेंगे हम। और बिल्कुल, आपको बता दूं, दो दिवसीय दौरे का जो है दूसरा दिन है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व सीएम योगी खुद आज वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, उसके बाद जो है वाराणसी चाय की जो है चुस्की ली है। और आपको बता दें कि सीएम योगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपने काफिले के साथ जो है गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। गाजीपुर में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आने वाले लोकसभा 2024 को लेकर जो है कहा जाए एक बड़ी रैली, एक शंखनाद हो सकती है। बीजेपी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और फिलहाल देखने वाली बात होगी जो है पूर्वांचल के काशी क्षेत्र में जो जेपी नड्डा जो आज आए हुए हैं, तो बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होता है ये भी एक समय ही बताएगा फिलहाल जी। हालांकि सुरक्षा की हम बात करें, सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम किया गया है सीएम को के आगमन को लेकर और जेपी नड्डा के आगमन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपको हमारे संवाददाता विवेक जी ने बताया कि इस समय वाराणसी में सीएम योगी के आगमन को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है और सीएम योगी ने वाराणसी चाय का चुस्की भी लिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।